तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके ईमेल आईडी में कौन सा नंबर ऐड है, और आपको साथ में ये भी बताएंगे कि कैसे आप अपने ईमेल आईडी के नंबर को चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने अपने जीमेल ऐप को ओपन कर लिया है। जीमेल ऐप को ओपन करने के बाद आपको यहाँ से अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद जो भी जीमेल आईडी का आप नंबर चेंज करना चाहते हैं उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए, मैं इस जीमेल आईडी को यहाँ से नंबर चेंज करना चाहता हूँ, तो इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स, आपको अपने जीमेल पे यहाँ से फिर से एक बार दोबारा से क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा गूगल अकाउंट, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। गूगल अकाउंट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा पर्सनल इन्फो का, तो आपको पर्सनल इन्फो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। तो चलिए, मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपका नंबर कौन सा नंबर यहाँ पे ऐड है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ये नंबर ऐड है, और मैं इसे यहाँ से चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे एरो वाला ऑप्शन है, इस एरो वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। देखिए यहाँ पे नंबर है, और आपको यहाँ पे फिर से एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, और आपको यहाँ पे दिखेगा एक एडिट का ऑप्शन और दूसरा डिलीट का ऑप्शन। अगर आप यहाँ से अपना नंबर को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं, और एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी कर सकते हैं। तो चलिए, मुझे नंबर को एडिट करना है, दूसरा नंबर डालना है, तो मैं इस जो पेन वाला आइकन दिख रहा है आपको इसी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपके मोबाइल का जो भी पासवर्ड होगा आप यहाँ पर डाल के और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पासवर्ड डाल दिया, और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पे पासवर्ड ले लिया है। अब फिर पासवर्ड लेने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, फिर से हम यहाँ पे पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे। पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है अपडेट नंबर। देखिए, ये अपडेट वाले नंबर पे हम यहाँ से क्लिक करेंगे। अपडेट वाले नंबर पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए नंबर आ जाएगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इस नंबर को यहाँ से हटा देना है, और यहाँ पे +91 का ऑप्शन, तो मैं यहाँ से इंडिया पहले से ऑलरेडी यहाँ सिलेक्ट है। देखिए, ये एरो वाले निशान पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे जितना कंट्री है आ जाएगा। तो मेरा इंडिया पहले से सिलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे गेट कोड का ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ से गेट कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कोड आ जाएगा, और मैं यहाँ पे कोड फिलअप कर दूंगा। तो कोड आ गया है मेरे मोबाइल में, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ऐसे कोड डालने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अपडेटिंग का फोन नंबर अपडेटेड, तो यहाँ पे फोन नंबर मेरा अपडेट हो गया, और ऊपर में भी आ गया है। तो फ्रेंड्स, और देखिए यहाँ पे गूगल का मैसेज भी आ गया ईमेल में कि मेरा नंबर चेंज हुआ है। तो इस तरह से इजीली से फ्रेंड्स, आप अपने मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं, और साथ में ये पता भी कर सकते हैं कि आपके जीमेल आईडी में कौन सा नंबर है। अगर फ्रेंड्स आपका कोई सवाल या सुझाव है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।